बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा, वर्क वीज़ा और गोल्डन वीज़ा, ये सब आपको मालूमात आज की लेटेस्ट देंगे आपको। उसके बाद जो है आपको ये भी बताएंगे, इत्तेहाद एयरलाइन ने 3000 जोपें यानी कि 500 और 3500 जोपों का भी ऐलान किया। इत्तेहाद एयरलाइन की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, जॉब आप भी हासिल कर सकते हैं। अब आपको टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़ा के बारे में बताएँगे, वर्क वीज़े के बारे में बताएँगे वो क्या है। टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा अब दिया जा रहा है, रेशो ज़्यादा वीज़ा लगने की हैं, बीच में रिजेक्ट भी हो रहे हैं, डिले भी हो रहे हैं, लेकिन इनकी रेशो जो है वो कम कर दी गई है। पहले तो बहुत ज़्यादा यही था कि 35 साल 40 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा थी उनको वीज़ा दे रहे थे, जिनकी से कम थी उनको वीज़ा नहीं दे रहे थे, डिले कर रहे थे, रिजेक्ट भी कर रहे थे। तो अब जो है अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ज़्यादा चांस है, 90% 10% अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं। उसके अलावा वर्क वीज़े के बारे में लोग पूछना चाह रहे थे कि वर्क वीज़े क्या पाकिस्तान को मिलना शुरू हो गए। जी हाँ, वर्क वीज़े पाकिस्तान को भी दुबई ने खोल दिए। अब आप अगर कोई सही जर्मन बंदा है, दो नंबर ना हो, क्योंकि आजकल जब वीज़े वीज़े ओपन होते हैं तो दो नंबर लोग भी बीच में, तो उन वो फिर आपके पैसों का नुकसान, पासपोर्ट, तो बहरहाल वैसे वीज़े खुल गए लेकिन एहतियात से। ग्रीन वीज़ा है, अगर ग्रीन वीज़ा लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते, भी बच्चों को, माँ बाप को बुला सकते हैं, 25 साल की उम्र तक के बच्चों को भी बुला सकते। तो उसके बाद जो है किसी कंपनी से स्पॉन्सर भी नहीं लेना पड़ेगा। अब दुबई ने ऐलान ये भी किया, अगर आपकी सैलरी पैकेज कम है तब भी आप अपने बीवी बच्चों को बुला सकते हैं। गोल्डन वीज़े के बारे में, आप कोई भी गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोग ज़्यादातर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनको रिजेक्ट नहीं हो रहा बल्कि मिल रहा। तो ये जो है अपडेट्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है किसी का इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाए। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचते हैं।